दोस्तों ये है वलीद भाई की एक मुर्गी और पता नहीं ये कितने बच्चे हैं, चलो इनसे पूछते हैं। यार वलीद भाई, ये आपके कितने चूजे हैं? ये 13 हैं। कहाँ से लिए हैं आपने? ये मेरे कजन ने दिए। कितने रुपए में दिए आपको? बेचे नहीं है। अच्छा, मुफ्त में दिए? मुफ्त में दिए। वाह भाई वाह, कोई हमें भी ढूंढ कर दो ना। चलो ठीक है, बताऊंगा आपको कभी। हाँ बताऊंगा। हाँ यार, हमें भी कोई ले के दो ना, हम भी मुफ्त के अंडे तोड़े। हाँ अंडे तोड़ कर खाए। ये देखो यार, बहुत सारी जो है इनके चूजे हैं, और ये देखो ये इस चीज़ से इनको हकला रहे हैं ना, ये गलती बढ़ गई। तो ये देखो यार, ये इस डंडे से ना इनको संभाल रहे हैं, क्योंकि यार ये भाग जाती हैं इधर कद्दू में, और ये कद्दू वाला बंदा है जो है ना, बड़ा ख़तरनाक बंदा है। वो अपना बुखार भी किसी को नहीं देता, वो फिर अपने कद्दू किसको देगा। तो यार इनके जो चूजे हैं ना, इनमें सिर्फ एक जो है वाइट है, बाकी सब ब्लैक है। और इनमें से कुछ जो है ना वो गंजी मुर्गी भी है। हाँ, इनमें से कुछ जो गंजी मुर्गी भी है। यार वलीद भाई, इनमें से नर कितनी है और मादियाँ कितनी है? 2 नर हैं और बाकी 11 मादी। माशाल्लाह। हमारा एक जो कजन है वो भी आ रहा है इन मुर्गियों को देखने। चलो अभी आपको दिखाता हूँ। यार ये मुर्गियों का बहुत शौकीन है। मैं पहले बता रहा था कि इनके कज़न जो है ना, इनको देकर चले जाते हैं वहाँ कराची, और फिर जब वो आते हैं तो शायद एक दो आते हैं और खाते हैं, बाकी इनके ही हैं सब इनके। और हाँ, हम भी लेंगे कोई एक दो, देखते हैं कोई मस्का वगैरह लगाते हैं और देते हैं कि नहीं। तो अगले व्लॉग में हम आपको इन्हीं मुर्गियों के साथ मिलेंगे। चलो बाय बाय।